लक्ष्मी बाई अपनी तलवार अपनों पर कदापि नहीं उठाना चाहती थी, परंतु लड़ाई सरकार ने हमें विवश कर दिया। आज युद्ध स्थल में खून की नदियां बहा दी, तुम्हारे सामने जो दुश्मन आए उसे कुचल डालो, अगर मरे तो शहीद कहलाओगे और अगर जिंदा लौटे तो ओझा तुम्हारा शौर्य गान गाएगा। और अब ये युद्ध निश्चित है, इसलिए जहां तक हो सके रक्तपात से बचते हुए हमें केवल लड़ाई सरकार को अपना बंदी बनाना है। आज हम मिलकर अपनी झांसी वापस लेकर ही रहेंगे, परंतु जब तक हम आदेश ना दें तब तक कोई युद्ध आरंभ नहीं करेगा, और अगर किसी ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो उसका सर हम घर से स्वयं अलग कर देंगे। विजय हमारी ही होगी। लक्ष्मी बाई और ये जो इसके दाएं बाएं हैं उसके 10 योद्धा, और माँ दुर्गा के 10 हाथों की तरह अपने 10 योद्धाओं के साथ बीच में रहकर लड़ेगी। पीछे हटाओ। भाई साहब, योरछा की सेना आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सब वहीं खड़े रहो, जब तक हम ना कहें कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अभी उन्हें और आगे बढ़ने दें, हमारी सेना उन 10 योद्धाओं का तब तक प्रतिरोध नहीं करेगी जब तक लक्ष्मी बाई हमारे बिल्कुल निकट नहीं पहुंच जाते। करेंगे और वो घेरे में रहकर हमारी ओर बढ़ेगी। फिर हम उनके हमले का जवाब कैसे देंगे? हम उसे आने देंगे। नहीं लक्ष्मी बाई, कथे खान के होते हुए तुम हमारे बालिका को छू भी नहीं सकती। आज हमें लड़ाई सरकार तक पहुंचने से इस संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हमारी सेना उनकी योजना के अनुसार उन 10 योद्धाओं का बिल्कुल प्रतिरोध नहीं करेगी और अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में खेल लेंगे। देवा, ये तो हमारी रणनीति को समझकर हमसे युद्ध कर रहे हैं, किंतु हमने अपनी रणनीति को हमारे साथी तो विश्वसनीय है, वो ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकते।
लड़ाई सरकार को यह रणनीति कैसे पता चली? इसका मतलब लड़ाई सरकार को रेखा चित्र से रणनीति पता चल गई। भाई साहब, इन्हें हमारी रणनीति का पता चल गया। भाई साहब वापिस आइए। मैं समझ पाती। लक्ष्मीबाई ने तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और तुमने क्या किया? विश्वासघात। देखो लड़ाई सरकार, देखो अपने चारों तरफ, देखो युद्ध का परिणाम क्या होता है। युद्ध का परिणाम केवल विनाश होता है। विनाश, तन का विनाश, मन का विनाश, धन का विनाश, केवल तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ। सच तो यह है कि हम तुम्हें आंख ही नहीं पाए। वाकई तुम हमारी कल्पना से भी अधिक कायर और विश्वासघात निकली। क्या मिला तुम्हें इस छल कपट से? क्या मिला? मेरे निर्दोष लोगों की हत्या? तुम बहुत बड़ी कायर हो लड़ाई सरकार, बहुत बड़ी कायर। बात सुन ली तेरी बकवास, जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। आचार्य जी, भाई साहब को ओरछा के सैनिकों ने घेर लिया है। हम इस प्रकार उठकर नहीं पहुंच सकते, हमें कुछ करना होगा। आचार्य जी, मैंने सोच लिया है। रघुनाथ जी, मस्कान,
सर, नरसिंह जी, आप सब लोग वापस आ जाओ जल्दी। राजा जी, महारानी साहब किसान खतरे में है और आपने हमें लौटने का आदेश दे दिया। योद्धाओं, हम लोग केवल ओरछा के सैनिकों से लड़ रहे हैं, किंतु हमारा लक्ष्य ये नहीं था। हमारा लक्ष्य था नई सरकार को पकड़ना, किंतु उसे हमारी रणनीति का पता चल गया है और उसने हमारी भाई साहब को घेर लिया है। हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। माता जी, कुछ करना होगा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रघुनाथ जी, हम उस लड़ाई सरकार तक पहुंच कर रहेंगे, किंतु हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, उन सबका ध्यान बचाना होगा। सुनिए आप लोग, एक बार फिर क्षमा किया। तू एक हिंदुस्तानी है, अपनी है, और लक्ष्मीबाई अपनों पर अपनी तलवार नहीं उठाती। परंतु हम तुझे अपना नहीं समझते। नत्थेकार! चाहते हैं आप, बाहर डालो दत्ते खान, बाहर डालो उसे।